जेड से आजम खान। कहाँ तक पढ़े हैं आप? का हनुमान मोदी के मेहमान। मोदी जी तो इतना विकास कर रहे हैं, मोदी लौड़ा विकास कर रहे मुरादाबाद में। क्या बोला तूने? ऐसा राम राम रहीम इनको अपने पास बुला रहा है। तो दोस्तों, इस वक्त रैली का दौर चल रहा है। गुजरात से एक वीडियो आ रहा है, सोशल मीडिया पे बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है कि गुजरात की एक रैली में लगा पोस्टर पे मोदी जी के मुंह पे कुत्ते ने पेशाब कर दिया। मैंने कह रहा आप देख सकते हैं, लेकिन सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे और भी फोटो लगे हुए हैं, लेकिन इस कुत्ते को मोदी जी का ही मुँह दिखाई दिया, मोदी जी के मुँह पे जाके मुँह दिया। और यहाँ पे चिंता की कोई बात नहीं है, अंधभक्तों ने इस कुत्ते पे FIR दर्ज कर दिया है, बहुत ही जल्दी ये कुत्ता हिरासत में होगा। किसने ये वीडियो डाल के ट्वीट किया था, कुत्ते ये तेरा मोतना बहुत भारी पड़ जाएगा, मोदी जी जिम कर रहे हैं, बदला जरूर लेंगे। अच्छा, कोई महिला नेता जो अच्छी लगती हो किसी भी पार्टी की? हाँ, अच्छी तो लगती है, बहुत सारी नेता जो अच्छी लगती है, जैसे नरेंद्र मोदी। मजा आया। ये हमारा कोई नहीं भेजे है, हम डायरेक्ट चांद है लंका हनुमान मोदी के मेहमान। मोदी जी तो इतना विकास कर रहे हैं, मोदी लौड़ा विकास कर रहे हैं, लौड़ा विकास कर रहे हैं, लौड़ा विकास। तो दोस्तों आइए चलते हैं दूसरे रैली में, हमारे तड़ीपार जी क्या कह रहे हैं जरा उनको भी सुन लेते हैं। अखिलेश बाबू, जरा उत्तर प्रदेश की जनता को सच सच बताइए, उनके निजाम का मतलब है N से नसीमुद्दीन, I से इमरान मसूद, Z से आजम खान। क्या बोला तूने? Z से आजम खान और M से मुख्तार अंसारी। Z से आजम खान। कहाँ तक पढ़े हैं आप? दोपहर तक। What? सुबह मेरा बाप मेरे को स्कूल पे छोड़ के गया और दोपहर को पूरी स्कूल मेरे को घर पे छोड़। अरे रुकिए भाई और देखिए। मित्रों, ये मुरादाबाद में क्या बोला तूने? ये मुरादाबाद में, ये मुरादाबाद में, ये मुरादाबाद में। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे लोगों के हाथ में देश जाएगा तो भुखमरी पे अपना देश आएगा ही, और बांग्लादेश से भी नीचे अपना देश जाएगा ही, और अंधभक्तों के पिछवाड़े में विकास तो होएगा ही। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, इनका नाम है कालीचरण, इनके ऊपर काल मंडरा रहा है, मुंबई पुलिस महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ इनको पेलने के लिए आ रहा है, आशा राम राम रहीम इनको अपने पास बुला रहा है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे अलकट हंस। काली चरण के काले दिन शुरू हो गए। छत्तीसगढ़ पुलिस की गिरफ्तारी के बाद अब महाराष्ट्र की पुलिस भी इनको गिरफ्तार करने के लिए छत्तीसगढ़ पहुंच गई है। जब कोर्ट में सुनवाई हुई शुक्रवार को, तो बाबा को 13 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यानी छत्तीसगढ़ की पुलिस अब 13 जनवरी तक इनकी कुटाई करेगी, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र की पुलिस भी सामने आ गई है, छत्तीसगढ़ पहुंची है, क्योंकि पुणे में भी इसने एक कारनामा किया था, वो केस भी अब ओपन हो गया है। अब बाबा की कुटाई महाराष्ट्र में होगी। आप जान रहे हैं महाराष्ट्र में किसकी सरकार है, महाविकास आघाड़ी की। और बाबा को सीधे सीधे टारगेट करते हुए संजय राउत ने कह दिया है कि बाबा की खातिरदारी थोड़ी हमें भी करने दो, आने दो बाबा को, हम बाबा कायदे सुताई करेंगे। तो समझिए आप कि इनके ऊपर क्या मामला दर्ज हुआ था, यह हम आपको बता दें। दरअसल पुणे में इनके ऊपर एक मामला दर्ज हुआ था 19 दिसंबर को, महाराष्ट्र का अकोला एक जगह है, वहां पर पुणे के खड़क थाने में मामला दर्ज हुआ था। मामला दर्ज होने पर उन्हें लेने के लिए महाराष्ट्र की थाने की 5 सदस्यीय पुलिस टीम रायपुर के टिकरापारा थाने पहुंची है, जबकि अकोला पुलिस ने काली चरण पर दर्ज केस को रायपुर पुलिस को ट्रांसफर कर दिया है। थाने पुलिस के मुताबिक 19 दिसंबर को नाटू बाग मैदान में कार्यक्रम में आरोपितों ने नफरत भरे भाषण दिए थे, जो लोगों को भड़का सकते थे और धार्मिक भावनाओं को आहत कर सकते थे, यह बात कही गई है महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा।
आप समझिए बाबा की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। बाबा को बचाने के लिए उनके समर्थक इसीलिए परेशान हैं कि बाबा एक बार चंगुल में आ गए तो बाबा जिंदगी भर जेल में सड़ेंगे और पुलिस इतना बड़ा लठ लेके आएगी कादे सुताई।